ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا अल्लाह अकबर यह बहुत खूबसूरत आयत है मैंने आपको बताया था कि अब सूरत बकरा के एंड तक जो मजामी चलने हैं वो चार हैं दो हैं शरीत के उनमें से एक इबादत एक मामला और दो हैं जिहाद के एक है जिहाद बिल माल के अल्लाह के राम में पैसा लगाओ खर्च करो अल्लाह की राह में जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो ये जिहाद बिल माल है और दूसरा किताल अल्लाह की कि राह में तुम्हें जाने को जानो का नजराना पेश करना पड़ेगा साहबा इक़राम राम ने जाने दी है तो ये चार मजमून है लेकिन इन चारों मजमूनों की बुनती ऐसी हुई है कि एक आ रहा है फिर अगली आयत में दूसरा आ रहा फिर अगली आयत में दूसरा आ रहा है फिर अगली आयत में दूसरा और इसी बुनती में मैंने आपको बताया कि खूबसूरत फूल भी अल्लाह ने जड़ दिए उनमें से एक फूल हम पढ़ चुके लंबी आयत थी आयतुल आयात की कि अल्लाह ताला ने काफी निशानियां एक ही आयत में अब ये आयत आ रही है इसे आयतुल कहें कहे सल बिर बिर कहते हैं नेकी को इस आयत में अल्लाह ने नेकी की हकीकत बयान की इस एक आयत के अंदर अल्लाह रबुल ने बयान कर दिया आयतुल बिर नेकी की हकीकत क्या है नेकी की जड़ क्या है नेकी की बुनियाद क्या है नेकी की रूह क्या है हर बंदे के जहन में एक तस्वर होता है ना नेकी का कि मैंने जनाब आठ ठीक है ये मेरे लिए नेकी है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्मगलर बड़े बड़े ऐसे लोग के जो मतलब ये है कि लोगों का माल गबन करने में जिन्हें कोई वो महसूस नहीं होता ज़रा बराबर भी कोई वो उनका भी एक तसवु है नेक या इस लेवल पर आ जाएं आप कि ये जो इसमत फरोशी होती है हमारे यहाँ ये हर सोसाइटी में रहे हैं ब्रॉथल्स वगैरह ऐसे खवीन होती हैं प्रॉस्टिट्यूट्स वो भी जब मुहर्रम आता है या कोई इस तरह का तो वो भी बड़े अच्छे कपड़े काले या सफ़ेद कुछ इस तरह के पहन के और वो अपना बंद करके और वो समझती हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए नेकी का काम है सबील को लगा लेना पानी अपनी रूह को थोड़ा बहुत कैथारसिस वो करते हैं इस तरह हौसला देने के लिए ये भी तो नेकी के काम है ना जो हम कि अगर हम लोगों का माल लूटते हैं तो देखो ये मदरसा भी तो मैं चला रहा हूँ इसमें कोई मेरे ख्याल में हो जाएगा कंपनसेट कोई इतना मसला नहीं है मैंने अगर ये स्मगलिंग का कारोबार है तो दो मदरसे भी हैं मेरे वो उसी से मैं चला रहा हूँ एक नेकी का हर किसी का तस्वुर होता है हमने दाढ़ी रख ली कपड़े अच्छे खासे पहन लिए जरा या औरतों ने कोई बुरका पहन के तो बस अब हम नेक हो गए कुरान का का इस्लाम और अल्लाह की नजर में नेकी का क्या तस्वूर है वो इस आयत में बयान तो अच्छा ये मुझे याद आ गया भाई को देख कर ये कल एक बात हुई थी यहाँ अहज हज की हवा हाँ के इन सफा व तमिनशाला ये अच्छा सवाल उन्होंने पूछा था कि सफा मरवा अल्लाह के शायर में से है फमन हजल तो कोई जो भी हज करे या उमरा करे तो फला जुना उस पर कोई हर्ज नहीं है हैफा बेहिमा कि वो उन दोनों का तवाफ कर ले तो इनका सवाल ये था कि तवाफ तो ऑलरेडी हज और उम्र के मनासिक में शामिल है आपने करना ही होता है तो इसमें यह लफ्ज़ क्यों इजाफी लगाया गया कि कोई हर्ज नहीं कि कोई इनका तवाफ कर ले फला जुनाहा का ये इजाफा क्यों किया गया तो उसमें जब मैंने पढ़ा तो ये बात सामने आई कल मुझे नहीं पता था मैंने कह दिया मुझे नहीं पता तो आज मैंने देखा उसे उसमें था मामला ये कि जमान जाहलीत में मुशरकिन मक्का ने क्या किया हुआ था कि सफ़ा और मरवा पे एक एक बुत रखा हुआ था मरवा पे जो बुद्ध था उसका नाम था नाइला अच्छा यहाँ ये थोड़ी बहुत जो तहकीक है उससे ये बात भी सामने आई है कि मरवा वो मकाम है पहाड़ी जहाँ हजरत इस्माइल को ज़िबा करने की हज़रत इब्राहिम ने वो जो अल्लाह का हुक्म जो खाब की सूरत उसे पूरा जहाँ करने का वो हज़रत इब्राहिम ने किया सारा वो मरवा था तो क़ुरबान गाह कौन सी है मरवा तो मरवा पे उन्होंने एक बुत रखा हुआ था नाइला उसका स्थान बनाया हुआ था और दूसरी एक पहाड़ी थी सफा उस पे एक बुत था इसाफ के उसका कोई इस तरह का नाम उसका स्थान बनाया हुआ था तो मुशरकन क्या करते थे कि उन मकाम को उन्होंने बड़ा मुकदस बना रखा था तो जब हज का या तवाफ का ये मुसलमानों को कहा गया तो मुसलमान वो थोड़ा सा कराहत महसूस करते थे कि शायद ये भी जो है ना ये जाहिलियत की वजह से ये चीज़ें चली हैं इनका हज और उम्र के तवाफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमान खुद फील करते थे यार ये मेरे ख्याल में ये बस जाहिलियत की तरफ से चीज़ें ऐड हो गई हैं इनका रियलिटी के साथ कोई वो नहीं है कोई ताल्लुक़ नहीं है तो मुसलमान अपने दिल में महसूस करते थे और उसके अलावा हज़रत आयशा की एक रिवायत आई है सामने जिसमें उन्होंने ये बात की कि जो मदीना वाले लोग थे इनका रुझान था मनाक की तरफ मनात व मनात लुखरा लात मनात उजा ये क्या थे बुत थे ना ये बुत थे तो जो मदीना वाले लोग थे इनका रुझान मनात बुत की तरफ था ये उसके मानने वाले थे नाइला और असाविन तो ये वैसे ही उधर जाना पसंद नहीं करते तो अल्लाह का जो हुक्म आया इस्लाम आने के बाद कि देखो ये जो सफा और मरवा की साई है ये ना समझो कि इन मुशरकिन की वजह से ये चीज ऐड होगी नहीं ये भी हिस्सा है इसका भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है हाँ इतना ही है ऑलमोस्ट तो इसका जो तवाफ कर ले उसे कोई मसला ये अल्लाह ही की तरफ से है ये हजरत इब्राहिम को जो अल्लाह ने हज के मनासिक सिखाए उनमें यह भी शामिल था तो अब तुम्हारे जहनों में जो ये बातें आ रही हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं है बाद में तो नहीं ये चीज़ आगे नहीं ऐसा नहीं कोई हर्ज नहीं है इनका तुम तवाफ भी किया करो जब हज करो या उम्र करो देखो जिल्हजा के चंद अयाम हैं अभी आने वाले इन दिनों में अगर बैतुल्लाह की ज्यारत करोगे तो वो क्या होगा हज होगा और इन अयाम के अलावा करोगे तो वो उम्र हो जाएगा तो जो कोई भी करे हज हजा के दिनों में जाए या वैसे तो वो इनका तवाफ करे कोई हर्ज नहीं है एक बात वाजे हो गई और दूसरा एक था दाबा का लफ्ज नहीं वो छुपाया ही है वो जानवर है। जिस पर सवारी की जा सकती हो या चार पांव पे चलने वाला वो जानवर ही मुराद चले आगे लईसल बिर्राहो वजुहम आज की हमारी आयत लिस बिर्राह नेकी नहीं है अंतवल्लु वजू हकम किबल अल मशरक़ वल मगरब यहां फिर नोट कर ले पस मंजर में कौन सा वाकया चल रहा है तहवील किबला का मजमून ये सिमत बदल दी गई किबला बदल दिया गया पस मंजर में वो है लईसल बिर्रा नेकी ये नहीं है अंतवल्लो वजुकम के तुम अपने मुंह फेर लो किबल वल मगरब मशरक की तरफ या मशर मगरब की तरफ मुंह फेरना नेकी नहीं है वाला किन्नल बिर्रा लेकिन नेकी तो है मन अब शुरू हो रही है बात मन आम बिल्ला, ये है नेकी की हकीकत नेकी की रूह नेकी की नेकी की बुनियाद, उस बंदे की होगी मन आम बिल्ला, जो ईमान लाए अल्लाह पर वल आखिर अच्छा पहले इसको समझे जो ईमान लाए अल्लाह पर क्या मतलब हुआ भाई देखो सबसे पहले नीयत का सही होना लाजिम है नेकी उस बंदे की होगी जो अल्लाह पर ईमान रखता है और वो नेकी इसलिए कर रहा है कि सिर्फ अल्लाह को राजी कर सके जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है वो नेकी कर रहा होगा अपने किसी और एजेंडे के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए नेकी वो करेगा जिसका अल्लाह पर ईमान होगा नेकी तो उस बंदे की है जो अल्लाह पर क्या रखता है ईमान दूसरी बात पल यूमिल्ला और आखरत पर ईमान रखता है क्या मतलब हुआ कि वो जो नेकी कर रहा है उसे इसका बदला कहां चाहिए आखरत में चाहिए इस दुनिया में वो बदले का तालिब नेकी उस बंदे की है कि जो नेकी कर रहा हो और तलब कहां रखता है उसकी उम्मीद आखरत में दुनिया का उसे कोई मनफियत कोई फायदा नहीं चाहिए दुनिया का फायदा चाहिए तो फिर ये लाजमन दीन बेचना है ये काम करना है नेकी को ये इसके फ्रॉड करना है अल्लाह के लिए अगर कोई काम कर रहे हो कोई नेकी कर रहे हो तो उसकी तलब की उम्मीद कहा रखोगे कि जजा कहा मिलेगी आखरत में। ये नहीं इबादत खुदा की है सौदागरी करनी है तो और चीजों में इंसान करे नेकी तो उस बंदे की होगी कि जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखरत के दिन पर आगे तीन ईमानियात हैं जो रिसालत से मुतल है वल मलाइकती वल किताबे वन नबीन और जो ईमान लाया मलाइका पर किताब पर नबी ये तीन चीजें मिलकर एक रिसालत को मुकम्मल करते हैं तीन ईमानियात जो हैं, इनका मतलब रिसालत है देखो फरिश्ते ने लिया अल्लाह से और वल किताब और वो क्या ली फरिश्ते ने किताब ली वन नबीन दी किस नबी को इन तीनों पर ईमान रखना दरअसल किस पर ईमान रखना है रिसालत ईमान ईमानसालत और नेकी के साथ ईमान बिर रिसालत का ताल्लुक क्या है वो इसलिए कि देखो जो भी तुम नेकी करो तुम्हारे सामने उसका एक नमूना होना चाहिए एक कामिल नमूना रसूल तुम्हें बताएगा कि नेकी किस तरह की होता क्या है कि लोग नेकी में कोई किसी तरफ निकल जाता है एक्स्ट्रीम में कोई किसी तरफ निकल जाता है एक्सट्रीम में नहीं एक बैलेंस्ड होना चाहिए एक ऐसा अंदाज हो जो मोतदिल हो जिसमें म्याा रवि हो तो वो तुम्हें कौन बताएगा वो जो उस कामिल होगा तो वो हमने भेज दिया मोहम्मद रसोल्ला नेकी तो उस बंदे की है कि जो करे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और जिसके अजर की वो उम्मीद रखे आखरत में और जब वो नेकी करे किसकी पैरवी करते हुए मोहम्मद रसोल्ला देखो नेक अमल तभी बनता है ना जब आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो और मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पे कर रहे हो तब वो नेक अमल बनेगा आपने अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ी आपने मगरिब की अल्लाह की रजा के लिए तीन की बजाय चार रकतें पढ़ दी अल्लाह सवाब देगा आपने किसके तरीके को वायलेट किया मोहम्मद नेकी तो उसकी तो शर्त है अल्लाह की रजा के लिए हो और उसके अजर की उम्मीद आखरत में हो और किसके तरीके पर हो मोहम्मद यह है नेकी की रूह बुनियाद हकीकत जी आगे चले बात जी हाँ फरिश्ते हैं दे 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 ये दोनो, ये दोनों दोनों चीजें हैं वो एक है करती है एग्जिस्ट करती उस पे तो ईमान है लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूँ के के आप तो ये तीनों कनेक्टेड हैं एक रिसालत के साथ और वो मैंने एक लिंक वाजे कर दिया कि रसूल तक किताब पहुंचाने वाला कौन है फरिश्ता है आपने ईमान लाया आप इस बात करके फरिश्ते ने अल्लाह से लिया वो बुक किताब की फॉर्म में और आ कर दिया ही अब यहां से शुरू हो रहे हैं एक बंदे ने नेकी की। आपको कैसे पता चलेगा कैसे होगा पहला उसका मजहर क्या है माल आला वो खर्च करता है माल उसने खर्च किया माल अला बावजूद इसके उसे मोहब्बत तो है उस माल से लेकिन फिर भी वो उसे क्या कर रहा है खर्च कर रहा है कहाँ खर्च कर रहा है जविल कुरबा कर दारों पर रिश्तेदारों पर वालयामा यतीमों पर मसाकीन मोहताजों पर अबन सबील और चलते मुसाफिर जिनके पास कुछ नहीं होता आजकल तो वो सफर रहे नहीं लेकिन पहले या दौरों में जब मुसाफिर लोग होते थे लुट गए या कुछ ऐसे हो गया या मुसाफिर बड़ा परेशान हाल होता था मंजिल होती थी महीने डेढ़ दो की रास्ते में किसी किसी तरह के वाकयात पेश आ जाते थे तो मुसाफिर का ध्यान रखा जाए हमारे यहाँ भी ये कल्चर था ज्यादा पीछे ना जाए बीस तीस पैंतीस चालीस साल पीछे हमारे यहाँ जब ये आबादियां इतनी नहीं थी तो कोई भी राह चलते मिलता बिठाते खाना खिलाते वो एहतराम करते मुसाफिर के साथ अच्छा रवैया वनील और मुसाफिरों पर खर्च करता है वसाइलिन जो मांगने वाले हैं उनको देता है व फिर रखाब और गर्दनें छुड़ाने में यहाँ एक नुक्ता और वाजे कर दूं ये, ये फिर नेकी की तरफ आते हैं वसाइलिन के जो मांगने वाले हैं इसमें अमूमन हमारा मिजाज ये है कि हम नहीं देते मांगने वालों को और क्यों नहीं देते ये कह कर के ये प्रोफेशनल है और यार इनको देना इंस्टीट्यूशन ऑफ बेगरी को सपोर्ट करना है तुम्हें मत मारी हुई है तुम्हारी इनका तो ये पेश है तुम जानते नहीं हो ये सारा दिन देखना रात को ये दस ग्यारह हजार रुपए की इसकी दिहाड़ी बन जाती है ये 200 बंदों से इसका डेली मांग लेता है 50 नहीं देते होंगे डेढ़ सौ दे देते हैं और फी बंदा भी दे 10 बल्कि आजकल अक्सर 50 दे रहे होते हैं आजकल तो वो खुले होते ही नहीं है 150 होता है जेब से निकलता है और कहीं ना कहीं इंसान के दिल में कोर्ट से ट्राइक कर जाता है किसी ना किसी को वो रोज दे ही जाता है पचास सौ तो इनकी रेशो बनाओ कहा ये इनको नहीं देना ये बड़ी गलत अप्रोच है अल्लाह रबुलजत कुरान में क्या कहते हैं कि मांगने वाले का हक है मांगने वाले का एक हदीस में तो आता है भले वो सफेद कपड़े पहनकर सफेद घोड़े पर भी आए तब भी अगर वो मांग रहे तो उसको दो तो पता है क्या है इसको मुझे ये कंसेप्ट डॉक्टर साहब से समझ आया बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की दलील इन्होंने बहुत अच्छी लाई देखिए कल क्यामत का दिन होगा आप और मैं अल्लाह के सामने खड़े होंगे उस वक्त हर शख्स ये चाह रहा होगा कि उसे माफ कर दिया जाए क्या कर दिया जाए लेकिन हमने जो दुनिया में जिंदगी गुजारी है वो इस लायक नहीं है कि हमें वहां मिले अब देखिए वहां अल्लाह भी ये कह सकता है कि हम प्रोफेशनल ये वो है, हैं मुजरिम जी क्रिमिनल्स तुम ये बिल्कुल है तुम्हारा आगे तक दफा हो जाए साइड तो प्रोफेशनल लोग है, हैं हम उस वक्त हकदार नहीं है कि हमें माफी दी जाए हम माफी डिजर्व उस वक्त नहीं कर रहे हो लेकिन सवाल करेंगे ना अल्लाह माफ कर दे अल्लाह माफ कर यहां पर भी ये लोग डिजर्व नहीं करते लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया वफी दो जगह कुरान में कहा तुम्हारे मालों में हक है मांगने वाले का और महरूम का महरूम वो कि जो जिसका मुआश का पहिया नहीं चल सका पीछे रह गया किसी वजह से उसको दो और जो मांगने वाला है उसको भी दो हाँ नहीं दे सकते लाजिम नहीं है हर किसी को देना तुम्हारे पास नहीं है तो ये हमारे यहाँ बुजुर्गों की बड़ी अच्छी रिवायत रही है कि वो माफी मांगा कर क्या करते थे कि तुमने मुझसे सवाल किया है तुम्हारा मुझ पर हक बन गया है लेकिन मैं वो हक का नहीं कर सकता मुझे क्या करना माफ करना भाई मैं मेरे भाई हाँ माफ कर माफ कर देना यार मैं अदा नहीं कर सकता हक है आपका मुझ पर कुरान की अजरू कुरान हक है लेकिन मैं दे नहीं सकता ये कंसेप्ट भी जहन में रखें चले अब आ, ये 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 चीज़ें इसको थोड़ा सा यहाँ फर्क कर लें होगा अल्लाह ही के नाम पे ये हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें अजीब चल रही हैं तो हो मांगना चाहिए सिर्फ अल्लाह के नाम पे ये गलत बात होती है हम अभी कल पढ़ के आए हमने कि किसके नाम का जबीया हलाल है अल्लाह के नाम का अल्लाह के, अल्ला के नाम पे भाई किसी और के नाम पे नहीं हो रही ये बड़ी गलत अप्रोच है हमारे यहाँ बुजुर्गों की कुरब हासिल करने के लिए और इस तरह की हम फलां के नाम पर वला के नाम पर ये नाम पर सही नहीं है चीज़ें ये कायनात अल्लाह की है ये माल दिया हुआ अल्लाह का है किसके नाम पे मांगना है उसी के नाम पे मांगना है पे मांगना। देखो अब ये ये वो चीजें हैं कि जो आप उसको उस वक्त नहीं समझा सकते आपने उस वक्त इंसानी खैर खाई के तहत देना है अल्लाह ने यह शर्त नहीं लगाई कि मांगने वाला कौन होना चाहिए मुसलमान मुसलमान साइल का हक है तुम्हारे माल पे ऐसा नहीं है और वो हैं भी मुसलमान सिर्फ वो एक जहनी कुछ ओलमा की वजह से कुछ माहौल ऐसा मुआशरा बन गया है कि उनकी सोच उस तरह की बना दी गई है बस जो भी मांगने वाला है उसका हक है आप उसकी खैर खाई करना चाहते हैं उसको जरा समझा दें लेकिन अब आप मुश्किल हो जाएगा उसको समझाना बस उसकी खिदमत कर दें जो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते तो वो लाजिम नहीं है खिदमत करना तो अब इस पॉइंट को समझे नेकी उस बंदे की है कि जो माल खर्च करता है कराबत पर यतीमों पर मिसकीनों पर मुसाफरों पर मांगने वालों पर और गर्दने छुड़ाने में यानी मकरूजों की मदद करता है जो मकरूज हैं नेकी की बुनियाद रूह जड़ बताने के बाद जो नेकी का पहला मजहर है वो क्या है इंसानी हमदर्दी क्या है इंसानी हमदर्दी तुम्हारी इबादतों के अंबार लगे हुए हो तुम्हारे दिल सख्त हैं दिलों के अंदर ऐसी कसावत है ऐसी शकावत है ऐसी संग दिली है कि सगा भाई वो इतनी मजबूरी में है उसको जरूरत है लेकिन तुम्हारा दिल नरम नहीं हो रहा बड़े तुम हाजी हो जाली वाली टोपी सर पे रख के पांच वक्त की नमाजें पढ़ते हो इमाम के पीछे पहली सफ में वो तुम्हारी इबादतें किस काम की तुम अपने सगे भाई की मदद नहीं कर रहे हो हालांकि तुम मदद कर सकते हो इंसानी हमदर्दी नेकी का पहला मजहर है बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं डॉक्टर साहब के डॉक्टर इसरार साहब के वो जो स्टेटस पे भी अक्सर चलते हैं बहुत मर है। कि अगर तुम किसी को जरूरत में देखो अगर तुम देखो कि कोई शख्स जरूरतमंद है और तुम इस पोजीशन में हो कि उसकी जरूरत रफा कर सकते हो फिर तुम उसकी मुसीबत और परेशानी दूर नहीं करते तो फिर तुम आबिद जाहिद ये ये सारे बड़े आलिम और बड़े इस्लाम व तफसीर शेखल कुरान हदीस ये सब कुछ हो सकते हो मुफ्ती हो सकते हो नेक नहीं हो सकते तुमने नेकी समझी नहीं इस आयत की रूह से नेकी का पहला मजहर क्या बताया वो माल खर्च करता है इंसानी हमदर्दी उसके दिल में है। आगे देखें वात वा व वा आतजा का अब जिक्र किया है नमाज का और सखात वो नमाज कायम करता है नेकी उस बंदे की है जो नमाज कायम करता है जकत अदा करता है नमाज कायम करता है क्योंकि ये उसके ईमान को ताजा करती है ईमान बिल्ला ईमान बिल आखिरत को वो नमाज कायम करता है ताकि उस ईमान को तरोताजा रख सके वह आत जक और जकत देता है क्यों ताकि इंसानी हमदर्दी में माल खर्च करने के लिए अपने दिल को मजीद आमादा कर सके वो नमाज कायम करता है जकत अदा करता है वो वादा पूरा करने वाला होता है जब वादा कर ले नेकी उन लोगों की है कि जब वो वादा कर ले फिर वादे को पूरा करने वाले होते हैं, ये पूरी माशरत आपकी चलती वादों पर है इंसान के सारे मामला तो मुहिदे पर ही होते हैं भाई हमारा सबसे पहला मुहिदा अल्लाह के साथ था अहद अलस्त हमने अल्लाह को माना फिर अब इस दुनिया में आने के बाद जब कलमा पढ़ लिया तो ये एक और अहद हो गया अल्लाह के साथ हाँ ये तो हम हैं ना हमें पता ही नहीं है कलमा एक अहद है हमें तो एहसास ही नहीं है कलमा क्या चीज है इकबाल के बड़े प्यारे अल्फाज हैं चूमी गोयम के मुसलमानम बर्जम जब मैं खुद को मुसलमान कहता हूँ लर्ज उठता हूँ के इलाहा इल्लल्लाह इसकी मुश्किल ही बहुत शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है लोग आसान समझते हैं मुसलमान ऐसा हमने मुसलमान होना मजाक समझे तो विरासत में मिल गया कलमा ये इट्सल्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है एक माह है और जिससे खानदान की बुनियाद पड़ती है शादी जिससे नया घराना वजूद में आता है खानदान नया वजूद में आता है वो भी मियाँ बीवी का एक क्या है हर एक की कुछ जिम्मेदारियाँ कुछ फरज है कुछ हकूक है कुछ हर एक के कुछ फराइज हैं कुछ तो वो वादे को पूरा करने वाले होते हैं जब वो को यहद कर ले। ये चोटी है नेकी की वसा बरी वज़राई वहीन वज्राई वही ये वो नेकी जो इस्लाम की नेकी है कुरान के अंदर जो नेकी का तस्वर है ये वो नहीं है जो दूसरे हाँ आप राहबों में देखते हैं बस गोशा नशीन हो जाएं कहीं अकेले बैठ जाएं और बस जरबे लगाएं और तल्लु सलूक की मंजिलें तय करें यह नेकी नहीं है कुरान की रूह से तो नेकी है कि तुम्हें बाहर निकल कर बातिल से पंजा आजमाई करनी है तुमने हक़ को गालिब करना है बातिल को दबाना है और जब ये करोगे तो फिर तकलीफ़ें आएंगी फिर उन तकलीफ़ों में तुमने क्या करना है नेकी उन लोगों की है जो सबर करते हैं सा बीना फिल्बास फकर व फाका में सबर करते हैं जर्रा तकालीफ आ जाती हैं परेशानियां उनमें सबर कर हैं वहीन अलबास और जंग के वक्त मैदान कार में सबर करने वाले ये है तस्वुर नेकी का जो अल्लाह ने पेश किया उलाइकल्लज़ीन उलाईकिन ये हैं वो लोग जो सच्चे हैं उलाई कम ये हैं जो तकवा वाले हैं तुम्हारे जहनों में तकवे का पता नहीं क्या तस्वुर बैठा हुआ है दाढ़ी रख लेना तुम समझते हो मुत्तकी हो कपड़े ऊपर शलवार अपनी वो सारी पिंडली नंगी करके तुमने समझ लिया बड़े मुत्तकी अल्लाह को इस चीज बंदा इन चीजों से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता अल्लाह जानता है ला इला सुवरिकुम वला जसदम अल्लाह तुम्हारी सूरतें और जसद नहीं देखता वलाकिन अल्लाह वला किन्जर कुल वाल अल्लाह तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल देख चले जी आगे चले उल्ला दिन आत मामला तो एक फूल था बहुत बड़ा जो हमारे इसमें आगे अब आगे फिर वो मामला याहीदीन आम आलो कु तुम पर फर्ज कर दिया गया है मकतूलों का बदला लेना किसास लेना तुम पर लिख दिया गया फर्ज है कतल ये, ये बहुत बड़ा जुर्म है कतल से इंसानी तमद्दुन की जड़ कट जाती है कतल को रोकने के लिए बदला लो किसी ने कतल किया उसकी जान लो ताकि इंसान डर जाए करे नहीं ये कर तुम पर फर्ज कर दिया गया है मकतूल का किसास लेना अलहुर्र बिल हुर्रवल वल अब्द बिल अब्द वल उनसा बिल उनसा आजाद कतल किया गया तो बदले में आजाद कतल होगा गुलाम कतल किया गया तो बदले में गुलाम कतल होगा औरत कतल की गई तो बदले में औरत कतल होगा तो ये उस दौर के थे कुछ ट्रेंड्स हमारे यहाँ तो अब चूंकि तमाम इंसान बराबर हैं वो डायरेक्ट सेलेवरी का दौर नहीं है तो जो कातिल होगा उसी को दोबारा उसी की जान ली जाएगी हमन रफी नीन तो जिसको फिर माफ़ कर दिया जाए वारसिन की तरफ से कोई शे बात जिनका कत्ल हुआ है वो कुछ माफ़ कर देते हैं कि अच्छा भाई हमें जान इसकी नहीं लेनी ठीक है हमने कुछ माफ़ कर दिया जो एक दियत होती है खून बहा होता है जो कुछ तय हो जाए फिर उसमें से अगर वो कुछ माफ़ कर दें, तो फतबा बिल्माफ तो फिर उसके पैरवी करना है मारूफ अच्छे अंदाज में सही सही अंदाज में वादा वदाउन ही बेहसान और उसको अदा कर दिया जाए खूबी के साथ जिस वारिसों ने अगर कुछ माफ़ कर दिया है तो फिर उस मामले को अच्छे अंदाज में लेके चलो और जो कुछ देना है वो बखूबी उन्हें अदा कर दो ज़ाली का तखफी मे रब वराम ये जो हल्का कर दिया है अल्लाह ने यह अल्लाह की रहमत है अल्लाह की तरफ से ये रहमत है कि उसने ये मामला हल्का कर दिया मगरना अगर, अगर अल्लाह ये ऑप्शन ना रखता कि खून बहा माफ कर दिए जाए तो लाजमन उसकी जान लेनी पड़ती बदले में जाली का तखफी ये तखफीफ़ है तुम्हारे रब की तरफ से व रहमा और रहमत है फमन तदाबाद जाली का तो जिस किसी ने ज्यादती की फिर इसके बाद फौला फलाजाबलि तो उसके लिए फिर दर्दनाक अजाब है वलकुम फिल किसास हयात तुम्हारे लिए किसास में ही जिंदगी है माफ ना करो क्या लो बदला लो इसी में तुम्हारे लिए जिंदगी है या उलिल ताकि तुम मुत्तकी बन जा ये कतल एक ऐसी चीज है अल्लाह तो इंसान को बनाने वाला वो तो जानता है इंसान को अच्छी तरह से कोई बंदा अपना कत्ल हो जाए ना कोई कत्ल कर जाए आप उसे लाख माफ कर दें दिल से वो बात नहीं जाती जब तक आप उसकी जान न ले लें जिसने कतल किया उसकी जान ले आप फिर सुकून आ फिर, फिर कुछ इंसान को तसल्ली हो जाती कतल करने वाला जिंदा चलता फिरता सामने नजर आए तो दिल को तकलीफ होती रहती है होती रहती है तो इसीलिए अल्लाह फरमा रहे हैं तो बल तुम्हारे लिए जिंदगी किस में है किसास में ही जिंदगी बदले में ही जिंदगी है अकल वालो ताकि तुम मुत्त बन जाओ कुतिबा अलैकुम फिर एक और बात आ रही है कुतिबा अलैकुम इजा कुतिबाह तुम पर फर्ज कर दिया गया इजा हजर जब तुम में से किसी एक को मौत आए इसको गौर से समझें ये आयत अब मनसूख है इस आयत का अब शरीय इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं है बस इसके एक हिस्से को अल्लाह के रसूल ने अपनी सुन्नत से बाकी रखा है वरना यह आयत अब मनसूख है ये इब्तदा की आयत है बाद में सूरत नशा के अंदर आप जानते हैं कि अल्लाह ने पूरा एक निज़ाम दे दिया विरासत का ठीक है ना अल्लाह ने हक तय कर दिया विरासत में इसको इस इतना मिलेगा इसको इतना इसको ये अभी पहले दौर किया है अभी इब्तदा है कि देखो तुम पे फर्ज कर दिया गया जब किसी एक को मौत आ जाए तुम में से इन तरह का खैरा और वो कोई माल छोड़ के जा रहा हो तो क्या चीज फर्ज कर दी गई है अलवसिया उसके ऊपर वसीयत फर्ज कर दी गई है जब किसी शख्स को मौत आए तुम में से और वो माल छोड़े जा रहा हो तो उस पर वसीयत लाजिम है लिल वल अकरबीन अपने वालदेन के लिए और करीब रिश्तेदारों के लिए वो वसीयत कर जाए बिल मारूफ इंसाफ के साथ वहाँ रिवाज ये था अरब के अंदर कि जो बड़ा बेटा होता था वो जायदाद का बार एक इंसान मरेगा तो बड़ा बेटा लेगा सारा कुछ बाकी उसकी बीवियां हैं या उसके कोई छोटे बच्चे हैं या उसके माँ बाप उनको कुछ नहीं मिलेगा तो ये उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने थोड़ा कि ये रिवाज सही नहीं है वसीयत करके जाए जो मरने वाला है वो वसीयत करके जाए अपने माल की के लिए भी और करीबी रिश्तेदारों के इंसाफ के साथ हक्कन अल्लाह का तकवा रखने वालों पर ये लाजिम है हक है फमम बदल बादमा बादद तो जो कोई भी बदल दे फिर उस वसीयत को बादमा आसामिया उसको सुन लेने के बाद सुना तो उसने वसीयत फिर उस बदल दे तहरीफ कर दे फन नमाजी तो उस तब्दील कर देने का गुना उन्हीं पर होगा जो उसे तब्दील करेंगे समी अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है फमन खा फन तो जो शख्स अंदेशा रखता हो इस बात का कि वसीयत करने वाले ने जनाफन जानबदारी से काम लिया अगर कोई शख्स इस बात से अंदेशा महसूस करे जिसे इस बात का खौफ हो कि वसीयत करने वाले ने क्या किया है जानबदारी से काम लिया एक को ज्यादा दे दिया है बाकीों को कुछ नहीं दिया अगर कोई शख्स ये खौफ महसूस करे कि मूसिन जो मूस है वसीयत करने वाला उसने कोई पार्शलिटी से काम लिया है, और इस बन या उसने कोई गुना किया गलत हरकत कर दिया यह इस तरह नहीं करना चाहिए था गलत कर दी उसने ये सारी तकसीम तो फला जुलाहा फासलह भाई ना हम और फिर वो इसलाह करा दे उनके दरमियान सबको बिठा के देखो वसीयत तो मरने वाला ये कर गया है कि ये उतना इसको दे दो इस... लेकिन मेरे ख्याल से ये देखो ये ज्यादा की बात है अगर तुम सारे राजी हो जाओ तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि सब के दरमियान ये चीज इस तरह से आ जाए बराबर बराबर और वो इस करवा दे उनके दरमियान तो फला इसमें ये कोई गलत बात नहीं है उस पर कोई गुना नहीं वो मरने वाले ने जो वसीयत की है वो, वो, वो वसीयत को इतनी मुकदस है नहीं है कि उसको बड़ी कोई सेंकटिटी मिल गई है कि अब आप उसे नहीं कर सकते इतना कोई तकदस उसका नहीं है बस उसको तुम अगर दोबारा मसावी अंदाज में इसलाह करके करवा दो तो कोई मसला नहीं इन ला गफ़ूर रहीम अल्लाह बख्शने वाला है रहम मैंने बताया अब ये आयत क्या है मनसूख है अब वो जो एक विरासत का कानून आ चुका अब वो उस पर अमल होगा हाँ हाँ एक अल्लाह के रसूल ने इसमें एक रखी है वो ये कि एक शख्स जो फौत होने वाला है या जो जा रहा है इस दुनिया से वो अपने कुल माल में से एक तिहाई के अंदर वसीयत कर सकता है यानी जितनी उसकी जायदाद है उसके तीन हिस्से करें और तीसरा हिस्सा जो है दो को छोड़कर तीसरे हिस्से के बारे में वो वसीयत कर सकता है लेकिन वो वसीयत किसी वारिस के हक में नहीं कर सकता जिनको ऑलरेडी विरासत में मिलना है उनको वो वसीयत नहीं कर सकता इदारे को दे जाए किसी बेवा को किसी यतीम को कि वो दे जाए लेकिन जिनको विरासत में ऑलरेडी मिलना है उनके लिए वसीयत नहीं अल्लाह के रसूल ने अपनी सुन्नत में एक चीज जारी रखी है कि उसका जो भी माल होगा उसके दो हिस्से उन पर तो विरासत तनफीज होगी नाफिज की जाएगी लेकिन एक तिहाई में से वो जिसे चाहे वसीयत कर सकता जी वो वो विरासत का कानून है जिनके हैं नहीं हैं कितने हैं बचियां हैं बच्चे हैं वो नहीं क्या वो फिर आगे विरासत का कानून उसमें चल के ये चीज डिस्कस होगी और मैं उसमें भी नहीं बताऊंगा बस बस सीधी सीधी बातें कर दूंगा ये जो मसाइल होते हैं ये लमा से पूछने के हम आलिम थोड़ा है ये लमा से आप बातें डिस्कस करें पूछें सर क्या सूरत जी कुछ सवाल था अच्छा चल हाँ, एक होता है मैंने शुरू में बताया था जब सूरत बकरा में आयात आई थी मा मानन मिन आयत नातर मिनलिया हम नहीं मनसूख करते कोई हुक्म नहीं भुला देते हम कोई हुक्म मगर हम लाते हैं उसके बदले में उससे बेहतर या उस जैसा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमने आयत पढ़ी है सूरत बकरा में पहले क्या मतलब मैंने उस वक्त बताया था अल्लाह फरमा रहे हैं कि फर्ज करो हमने तौरात में एक हुक्म दिया था अब हमने अगर वो हुक्म खत्म किया है तो शरीय मुहम्मदी में उससे बेहतर लाए हैं या उस जैसा लाए मैंने उस वक्त ये बात बतलाई थी कि नासिख मनसूख दो शरीयतों के माबैन भी है और शरीय मुहम्मदी में भी है कि एक चीज तदरीजन आई है ना आहिस्ता आहिस्ता पहले उसका हुक्म और था फिर और था फिर और फिर आखिर में और हो गया तो ये नासिख व मनसूख शरीय मुहम्मदी में भी है और शरीयत मूसवी और शरीय मुहम्मदी में भी है तो यहां ये बात साबित हो गई एक वो हुक्म के जो आकर किसी हुक्म को ख़त्म कर दे वो नासिक कहलाता है और जो हुक्म पहले था अब नहीं है वो मंसूख कहलाता है नासिक और मंसूख बाद में आने वाला हुक्म नासिक है पहले वाला हुक्म अब क्या है मंसूख हो गया या यादी अमनुकु तिबाईकुम अब रोज़ों का जिक्र आ रहा है ये ऐसा इबादात में से इस्लाम के अरकिन में से एक ऐसा रुकन है कि जिसका जिक्र एक ही जगह इकट्ठे छह आयात में अल्लाह ने पूरा कर दिया और इसका जिक्र कहीं नहीं है जैसे बार बार आप पढ़ते हैं जमाज कायम करो जक़ात अदा करो नमाज कायम करो जक़ात अदा करो रोजों का और जिक्र नहीं ये एक ही जगह पर इसके सारे अहकाम इकट्ठे इन छः आयात में आ गए या हीदीना आमनो ऐमान वालो कुम फर्ज कर दिए गए हैं तुम पर रोजे अब यह इबादात का सिलसिला शुरू हो गया कमाकुतिबाजीन अमिन जैसे तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुतकी बन जाओ रोजे का मकसद क्या है मुतकी बन जाना परहेजगार भी मैं थोड़ा समझा दूँ ताकि आप जहन में वाज रख लें बात देखो रमज़ान का ये दोहरा प्रोग्राम होता है डबल प्रोग्राम ये गोया कि एक वर्कशॉप है अल्लाह की तरफ से जो हर साल में एक दफ़ा कंडक्ट की जाती है ये वर्कशॉप है ये एक ट्रेनिंग है यह एक डिप्लोमा है जो अल्लाह साल में हर माह करवाता है साल के अंदर हर साल एक माह के लिए करवाता है और ये डबल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को समझने के लिए ये रियलिटी भी पहले समझे मैन इज कंपोजिट बीइंग इंसान एक क्या है मुरक्कब वजूद है इंसान के अंदर दो वजूद हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट है एक उसका वजूद है रूहानी एक उसका वजूद है है हैवानी देखो हैवानों में रूह नहीं है जान होती है इंसान के अंदर एक वजूद हैवानी है जिसकी बुनियाद पे वो हैवान है एक उसका वजूद रूहानी है वो रूह है उसके अंदर जिसकी बुनियाद पे वो क्या है इंसान है अशरफुल मखलूकत है अब इन दोनों वजूदों के अपने अपने तकाजे हैं डिमांड्स हैं रिक्वायरमेंट्स हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं देखो हम हमें ये तो पता है ये जो हमारा वजूद है खाक से जो बना है मट्टी से बना है जो माँ बाप के आपस में एक मिलाप से ये हमारा नुतफा पैदा होता है जाइगोट बनता है बच्चा पूरा पैदा हो जाता है इसका प्रोसेस हमारे सामने है इसको पानी दो इसको खाना दो इसको हवा मिले तो ये जिंदा तो मर जाता है हमें पता है देखा है हमने तो हम इसके लिए क्या करते हैं पूरा खाना शाना पूरा पानी ये सारी इंतजाम करते हैं बड़े हो जाते हैं नसल आगे बढ़ाने के लिए ये और फिर उसी तरह के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है इस वजूद के जो तकाजे हैं उन्हें हम जानते हैं लेकिन वो जो अंदर रूहानी वजूद था उसका मुझे और आपको एहसास उसके क्या तकाजे हैं वो भी इसी तरह इंडिपेंडेंट है उसको भी भूख लगती है जिंदा रहने के लिए उसको अगर जिंदा रखना है जिंदा रहना है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स, उसकी भी गजा है वो हम उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं पता यही वजह है कि इस वक्त अक्सरियत के इंसानियत के अंदर छोड़े बाकियों को तो मुसलमानों के अंदर भी मेजोरिटी उनका वो अंदर वाला वजूद मुर्दा हो चुका तकरीबन वो रूह मुर्दा दफन कर दिया हमने उसे उस रूह का जो मस्कन है जहां वो रहती है वो है दिल उस दिल के ऊपर हमने ऐसे काले धब्बे लगाए हैं वो दिल लिपट चुका अब पता नहीं कितनी तहों के अंदर वो रूह उसके अंदर अब सिसक रही है रूहानी जो हमारा वजूद था वो कैद है हमारे उस दिल के अंदर और दिल को हमने लपेट रखा है काली तहों के अंदर वो देखो मैं जो काली तह कह रहा हूं या ये गिलाफ कह रहा हूं इससे अल्लाह के रसूल की हदीस मुराद है आपने फरमाया जब कोई शख्स गुना करता है तो उसके दिल पे क्या लग जाता है एक काला धब्बा लग जाता है अब फिर वो तोबा कर ले तो वो साफ हो जाता है नहीं तो फिर गुना करता जाता है धब्बे लगते जाते हैं यहां तक के पूरा दिल क्या हो जाता है स्या, अब हमारे दिल श्या है वो रूहानी वजूद रू कैद हो गए अब ये जो रमजान का प्रोग्राम है इसको जहन में है अल्लाह ने यह दोहरा प्रोग्राम रखा है इन दोनों वजूदों के लिए और फोकस इसमें रूहानी वजूद पर है दिन भर रोजा रखो रोजा क्या होता है भूखा रहना दिन भर भूखे रहो जब तुम भूखे रहोगे तो क्या होगा ये जो तुम्हारा हैवानी वजूद है कमजोर पड़ेगा क्या होगा कमजोर पड़ जाएगा इसकी ताकत में जरा कमी आएगी ये जो जोर मारता है खाना खाने के बाद डकार मारता है नींद ये, 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 ये नहीं होगा ये थोड़ा कम हो जाएगा इसको भूखा बंदा ज्यादा रोता है आपको पता है इस वक्त भूखे बंदे को रोना आ जाता है हमें। तो ये रजा बंदा नहीं कभी रोता इसको भूखा इसको भूख इसको कमजोर करो ये जो वजूद इसे कमजोर करो अच्छा जब ये कमजोर हो जाएगा लेकिन कैसे कमज़ोर होगा आजकल तो रमज़ान की ये कैफियत है लोग वेट लूज करने की बजाय वेट गेन कर रहे होते हैं इतना तगड़ा सुबह रज के वो सैरी करते हैं उठा नहीं जाता नमाज के लिए बाद में पढ़ें वो असर के वक्त फजर पढ़ते हैं फिर जोहर पढ़ते हैं फिर असर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं एक ही टाइम और फिर ऊपर में मगरिब आई खड़ी होती है असर के बाद दस्तरखान सजने लग जाते हैं और वो फिर खाना शुरू करते हैं और फिर वो ईशा के टाइम मगरब आके पढ़ते हैं और फिर जनाब तरावियों के नाम पे थोड़ा एडवेंचर होता है बाहर आप जाहिर है घर तो सारा दिन सो सो के तो ये पूरा महीना रूटीन चलती है और माशाला सेहत और रमजान की जो गायत थी जो मकसद था वो ही फौत होगी अल्लाह का जो दिया हुआ प्रोग्राम है उसमें ये है सारा दिन भूखे रहो प्यासे रहो ताकि तुम्हें रो आए तुम्हारा ये वजूद कमजोर हो ये हैवान कमजोर हो ये कमजोर होगा तो थोड़ा अंदर वाला वजूद उठेगा वो जागेगा एक तो उसकी बेदारी होगी इसके कमजोर होने से और दूसरा वो वजूद कहां से आया ये मट्टी वाला वजूद तो मट्टी से बना ना लेकिन वो वजूद रूहानी कहां से आया था अल्लाह की तरफ से आया था उसकी जो गिजा है वो कला में इलाही है वो भी कहां से आया है अल्लाह से आया दिन को तुमने भूखा रह के इस वजूद को कमजोर किया रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर रब का कुरान सुना जब उस आपके बारिश बरसती है वो उसको ज़िंदगी मिलती उस कुरान को समझे उस कुरान को सुने रूह खिलखिला उठेगी रूह हंसेगी रूह मुस्कुराएगी उसको गोया कि जिंदगी मिल जाएगी अब देखो ये रमजान हमने इस इन इस परपस के तहत कब अटेंड किया रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर जरा अपने रूह को और मजबूत करें और दिन को सारा दिन भूखे रह के रूह को मजबूत करें दिन और रात का ये प्रोग्राम हमारे वजूद को मजबूत करने के लिए ताकि तुम तो मुत्तकी बन जाओ मकसद ये लेकिन हम उठस से मस नहीं जी आगे देखिए अय्याम ममायद गिनती के ये चंद दिन हैं फमन खान अमिन को मरीज इन नुखर तो जो कोई तुम में से मरीज हो या सफर पर हो तो वो बाद में ये गिनती के दिन पूरे कर ले दोबारा रख ले जो छोड़े हों मैं डॉक्टर साहब की राय को साइब समझता हूँ कि ये जो आयत है ये आयत रमज़ान के रोज़ों के बारे में नहीं है ये आयतें हैं उन अयाम बीस के रोज़ों के बारे में जो अल्लाह के रसूल रखा करते थे बारह तेरह चौदह या तेरह चौदह पंद्रह को इस तरह की वो जो तीन चांदनी रातें नहीं, राते नहीं आती अयाम बीस सफेदी वाले दिन वो रातें जो चांदनी रातें होती तीन वो जो तीन रोजे अल्लाह के रसूल हर माँ रखा करते थे इससे मुराद वो हैं अक्सर बेशतर मुफसरी ने ये बात नहीं मानी लेकिन इमाम तफसीर राजी जो है इमाम राजी ने लिखी है तफसीर कबीर उसमें उन्होंने ये राय नकल की है कि हमारे मुतकदमीन में से कुछ लोगों की ये राय थी और हमारे मुताख्रेन में अनफी उलमा में से अनवर शाह कश्मीरी की ये राय है और कुछ और मुफसरण की भी है लेकिन जमहूर ने इसको जिक्र नहीं किया डॉक्टर इसरार साहब की राय ये थी कि ये जो आयात हैं ये रमज़ान के रोज़ों के मुतक नहीं है उसकी कुछ दलाइल देते हैं वो जी पहली बात तो वो ये फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ है अमाम मादूदात कि ये गिनती के चंद दिन हैं मदूदात का जो लफ्ज़ है ये है जमा किल्लत ये नौ या नौ से कम पर बोला जाता है ठीक है ये जमा कसरत नहीं है अरबी कायदे के मुताबिक लेकिन उसका भी जवाब देते हैं कि ये जमा किल्लत भी बसा औकात जमा कसरत के मानों में आ जाता है वही जवाब लेकिन उसूल ये है कि जमा ये किल्लत है और जमा किल्लत नौ या नौ से कम पर बोली जाती ये गिनती के चंद दिन हैं अच्छा फिर आगे रमजान का जिक्र आ रहा है उसमें ये लफ्ज नहीं कहेगा क्योंकि वो गिनती के नहीं कितने है कितने हैं तीस दिन में पहली पहली दलील तो ये दूसरी दलील अब आगे ये देखें इस आयत में लफ्ज है वाही न युतीकू ना हो और वो लोग के जो ताकत रखते हों उन रोजों की फिदियत उन तमाम मिस्किन वो भी ना रखना चाहे तो फिदिया दे दें बस एक मिस्किन को खाना खिला दें हो जाएगा रोजा अब अला बताइए कि रमजान में भी ये गुजा गुंजाइश है कि ताकत भी रखता हो रोजा रखने की फिर मिस्किन को खाना खिलाते छूट हो जाएगी नहीं होगी अब वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये भी रमजान के रोजों के बारे में वो कहते हैं कि ये बाब आया है अता का युतीक बाब इफाल है और बाब इफाल के मादे के अंदर एक खासियत होती है सलब मादा की कि जो उसके अंदर मीनिंग होता है उसका रिवर्स मीनिंग हो जाता है तो यहां तर्जुमा करेंगे जो ताकत ना रखते हो उसकी लफ्जी तर्जुमा युतीकू न हो जो ताकत रखते हैं उसकी लेकिन बाब इफाल की खासियतों में से एक खासियत है शलब मादा की शिकायत करना भी इश्तिका होगा शिकायत दूर करना भी इश्तिका होगा बाब इफाल के अंदर यह खसूसियत पाई जाती है तो यहां उसका शलबे मादा है मीनिंग इसका उलट होगा कि जो उसकी ताकत नहीं रखते वो क्या कर दे है? एक मिस्किन को खाना खिला दे लेकिन मेरी अपनी जाती राय मेरी राय की वह हैसियत नहीं लेकिन दिल को लगती है ये डॉक्टर साहब वाली राय कि ये जो आयते हैं दो ये रमजान के रोजों के बारे में नहीं है तो हाँ जी वो जिनके पास कोई शरा उज्र हो जिनके पास ये दो तो अल्लाह ने जिक्र कर दिए दो तो अल्लाह ने अभी रमजान की बात आई नहीं आगे चले ना रमजान तो 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 वो, वो अब नहीं है फर्ज मैं बता तो रहा हूं ये पहले का है अभी हम पढ़ रहे हैं ना चीजें शुरू में ऐसी हुई बाद में आ गए अब जब रमजान के आगे फिर तो खत्म सारे <coughs> फिर तो और रहा ही कोई नहीं अब सिर्फ रमजान के फर्ज हैं हाँ अब वो और नहीं है रोजे फर्ज ये पहले 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 शुरू शुरू में देखो काफी चीजें हैं जो तदरीजा नई है यहाँ एक और बात भी आपके सामने रख दो ये जो कुरान हम पढ़ते हैं हमारे पास है, आप मुसह लेके बैठे हैं ये किस तरतीब में है मैंने शुरू में बताया था ने लगवाई ये तरतीब नजूली नहीं है तरतीब तवकीफी है नजूल के एतबार से तो सूरत अलग पहले हम सूरत फातिहा पहले पढ़ते ये जहन में रखें तरतीब नजूली इतनी अहम अगर अहम होती तो अल्लाह उसी तरह कुरान महफूज करवाता यह कुरान महफूज रसूल ने करवाया किसके हुक्म पर अल्लाह के। इन आयतों को यहां रखो इन सूरतों को यहां रखो इन सूरतों को यहां किसने कहा अल्लाह और ये कुरान तरतीब नजूली सहाबा को जिनकी उम्र के दौरान ये कुरान नाजिल हुआ जब वो जिंदा थे उनके खास हालात थे जिस जिस मरहले पर जो जो रहनुमाई चाहिए थी अल्लाह ने वो दी उसी तरह नाजिल किया लेकिन अब आपके बाद तायाम कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए ये रहनुमाई है और अल्लाह ये रहनुमाई जिस शक्ल में इंसानों के लिए रखना चाहता था उसने उसी तरह महफूज करवाई हमें जो चीजें जिस तरह से सीखनी है वो क्या है यही ही इसीलिए अल्लाह ने इसको इसी तरह महफूज करवाया है तो ये जो चीजों में थोड़ा बहुत फर्क आता है कि ये पहले है ये बाद में हमें उस तरह तो नहीं समझ आती कि इनमें कितना फसल है कितना गैप है ये कितना किस तरह से नाजिल है लेकिन अब हमारे लिए इसका समझना इसी तरह ही लाजिम है मैं दोनों राय आपके सामने रख रहा हूं साइमल्टेनियसली कि इधर ये चीजें हैं जो लोग कहते हैं कि ये इससे मुराद ये है और दूसरी तरफ एक ये राय है इससे कोई फर्क नहीं वाकई होता अब जो रोज़े फ़र्ज हैं वो सिर्फ रमज़ान के ही हैं ये इस पर इतफाक़ है हमन ततवा खैरन पैरल्ला जो कोई भी तुम में से नफली कोई भलाई करे तो उसके लिए बेहतर है वन तसूम उखैर गुम और ये कि तुम रोज़े ही रख लो यही तुम्हारे लिए बेहतर है इनकन तुम ताम अब देखो ये अंदाज रमज़ान के रोजों का नहीं हो सकता कि ये कि तुम रब रोजे ही रख लो ये बेहतर है ये रमजान में तो ऑप्शन है ही नहीं वो तो लाभ में रखना है शाहरु रमजान फिर कल से मेरे ख्याल में शुरू कर लो शाहरु रमजान इससे इस इससे आगे रमजान की बात मुबारक